दोस्तों धान की फसलें पककर तैयार हो चुकी है और इसकी कटाई स्टार्ट हो चुकी है। कटाई के लिए सबसे शानदार मशीन के बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस मशीन का यूज करके, और मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप अपने फोन के डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से इस मशीन से धान की कटाई चल रही है। सिर्फ और सिर्फ धान की नहीं, इससे गेहूं की भी कटाई हो सकती है। और काटने के साथ साथ आपके जो दाने हैं वो किस हिसाब से आपके बोरे में भरते जा रहे हैं, आप देखिए। आगे भी मैं आपको पूरी डिटेल में इसको समझाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक जो दोस्त चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे करके हमारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाएं। तो देखिए, ये है एक मशीन, और ये मशीन आपके धान की फसल, गेहूं की फसल दोनों की कटाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। सबसे खास बात इस मशीन की तो यही है कि ये धान फसलें काटने के साथ साथ उसके जो अनाज है उसको भी अलग कर देता है, यानी कि आपको डबल कोई लेबर चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये मशीन चल रहा है, और मशीन चलने के साथ साथ जो आपके पुआल हैं, जो आपके के जो तना है उसको अलग करते जा रहा है, और जो दाने हैं उसको रिपर की सहायता से साफ करके उस बोरे में उसको भरता जा रहा है। देख सकते हैं आप पूरे डिस्प्ले पे किस हिसाब से चल रहा है, और पूरी तरीके से उस बोरों को भर देंगे और फिर उसको निकाल के फिर से आप इसमें आप दूसरा बोरा इनपुट कर सकते हैं। अब जो दूसरे नंबर का जो हमारा मशीन है, आप जैसे कि डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, ये मशीन आपके नगर, शहर, गांव हर जगह आपको देखने को मिलता ही होगा। बहुत से ऐसे भी किसान होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके पास भी मशीन पड़ा हुआ है। अब ये मशीन काम कैसे करता है, ये आपकी जो ट्रैक्टर के आगे वाले हिस्से में लगता है, और आगे वाले हिस्से में लगने के साथ साथ पुराने वाले मशीन की तरह ये भी क्या करता है, फसलों को ऊपर से काटता है। ऊपर के साथ काटने की इसका जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, वो अनाज जो फसल होती है, फसल में जो अनाज लगे होते हैं वो अनाज इसमें आ जाता है, और इसके साथ साथ पीछे वाले हिस्से में अनाज खिस जाता है या फिर वहीं स्टोर हो जाता है। यही मशीन क्या करती है, मशीन गेहूं में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। गेहूं में क्या करते हैं, आपके फसल को तो काटता ही, लेकिन जो भूसी बनाने का भी काम पुराने वाले हिस्से से हो जाता है। तो मतलब एक मशीन से दो काम हो जाते हैं। ये रही दूसरे वाली मशीन की खास बात, और तीसरे वाले मशीन की मैं बात करता हूं। तो ये मशीन आमतौर पे आपके गांव में ये मशीन तो पक्का है देखे होंगे, और आप इसका यूज भी करवाएंगे, आप अपने खेतों में भी इस मशीन का यूज किए ही होंगे। तो इस वाले मशीन की खास बात तो फिलहाल यही है कि आपको इसमें कोई लेबर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस मशीन से अपने लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कम समय में कम मेहनत करके अपनी फसलों की इससे कटाई करवा सकते हैं। होता क्या है, इस मशीन को, ये भी मशीन जो होता है वो ट्रैक्टर के आगे वाले हिस्से में लगता है, रिपर के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत से यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत से वीडियो पड़े होंगे, आप देख सकते हैं जाके। और इस पे अगर आप चाहते हैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इस पे एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा विद फुल डिटेल के साथ। क्या करता है कि आगे वाले ट्रैक्टर के आगे वाले हिस्से में लगा रहता है, तो ये रिपर जो होता है वो धारदार होता है, ये फसलों में घुस के उसको अच्छे तरीके से काट के साइड में, मतलब एक किनारे कर देता है, लीवर की सहायता से उसको एक किनारे कर देता है, जिससे इसके बाद आप इसकी फसलों की बंधाई कर सकते हैं, बांध सकते हैं, और इसको आप ले जाके इसका अनाज की छटाई करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे डिस्प्ले पे किस हिसाब से ये रिपर काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते रेट में ये रिपर आराम से देखने को मिल जाता है, बहुत ही कम लागत में मिल जाएगा। अगर आप इस पे भी चाहते हैं एक स्पेशली वीडियो चाहना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे भी एक स्पेशली वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों ये सब जो डिटेल थी वो धान के समय में आप इन सब मशीनों से अपनी फसलों की कटाई करवा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूरतमंद लोगों तक साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।